कैसे हैं आप इन्वेस्टर्स? क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं? मैं आपके लिए लाया हूं ये 7 पॉइंट, जिसको जानने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट पहले से बेहतर होगा। लखपति बनना है नहीं बनना? अगर लखपति बनना है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते जाना और मेरे इन 7 पॉइंटों को ध्यान से देखना। चलिए आगे शुरू करते हैं वीडियो। आइए जानते हैं 7 पॉइंट। इसमें से पहला पॉइंट है वोलेटाइल, यानी कि क्रिप्टो करेंसी काफ़ी वोलेटाइल होती हैं। एक ही दिन में इनमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक ही दिन में ये कई हज़ार या लाख पॉइंट ऊपर पहुंच जाती हैं और वो नीचे आ जाती हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एलन मस्क के एक ट्वीट से जो बिटकॉइन है वो काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एलन मस्क ने कहा था कि टेस्ला की खरीद में हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे, तो बिटकॉइन काफ़ी ऊपर चला गया। उसके बाद कुछ समय बाद एलन मस्क ने कहा था कि हम टेस्ला में बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये काफ़ी नीचे आ गया। और दूसरी अगर बात करें तो चाइना ने भी कहा था कि हम माइनिंग पे रोक लगाते देते हैं, तो इससे क्रिप्टो जो मार्केट है वो काफ़ी गिर गया था। तो ये फ्लक्चुएट काफ़ी होता है। इस बात में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योर होके करें। दूसरा पॉइंट, क्रिप्टो करेंसी में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। जी हाँ, कुछ नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किन किन प्रोसेस के थ्रू होके जाना है मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन कोई ऐसा डिस्क्राइब नहीं है कि आप किन किन प्रोसेस के में होके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई इस पर बॉडी नहीं बैठी हुई जो रेगुलेट करे इसको। तो रूल रेगुलेशन के बिना इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप, फिर मैं आपको कहूँगा आप इसमें इन्वेस्ट करें समझदारी के साथ। तीसरा पॉइंट, नो करेक्टली एनालाइज फंडामेंटल एस्पेक्ट। यानी अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसको फंडामेंटल और टेक्निकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख के तब इन्वेस्ट करते हैं। उसके फंडामेंटल देखते हैं कि कितने अच्छे हैं। ऐसे अगर क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो कोई फंडामेंटल नहीं है, पता ही नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करें, केवल न्यूज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें फंडामेंटल हम एनालाइज कैसे करें? कुछ नहीं है। चौथा पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जो इसमें निवेश होता है, वो डिसेंट्रलाइज के थ्रू होता है। इसमें कोई अपर बॉडी नहीं है, कोई सेंट्रल पे नहीं बैठा। जैसे हमारी सरकार होती है, सेंटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो ऑर्डर दे रही है सब पे चल रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, उसके थ्रू ही सारा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर एक बंदा जो बिटकॉइन बेच रहा है, दूसरा जो खरीद रहा है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। तो आप अगर इसमें निवेश कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। पांचवा पॉइंट है साइबर क्राइम पॉसिबिलिटीज़। जी हाँ, ये जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी है, इनटेंजिबल है, आप इसको छू नहीं सकते, ये हमारे कंप्यूटर में ही सेव रहती हैं। तो इसको हैकेबल है, ये कोई भी हैक करके चुरा सकता है। हालांकि ब्लॉकचेन बहुत बढ़िया माध्यम है, उससे सिक्योर है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और ये डिजिटल फॉर्म होने के कारण कोई भी इसमें छेड़छाड़ कर सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, डोंट इन्वेस्ट इन ह्यूज अमाउंट। इन्वेस्टर्स इस बात का ध्यान रहे कि आप क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि पिछले जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसमें आपको पता चला कि बहुत वोलेटाइल है, डिसेंट्रलाइज है और इसमें क्लियर रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। तो सब बातें को ध्यान में रख के आप इसमें छोटा छोटा इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा है और लॉस भी बहुत ज़्यादा है। कहीं लालच में आके ऐसा ना हो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें और वो आपका फिनिश हो जाए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि छोटे छोटे अमाउंट डालकर ही इसमें इन्वेस्ट किया जाए। सातवां पॉइंट, इन्वेस्ट थ्रू बिग प्लेटफॉर्म। देखिए, जैसे जैसे क्रिप्टो जो करेंसी फैलती जा रही है, यानी कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जो इस समय 1.59 ट्रिलियन डॉलर है, हर कोई चाह रहा है मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ। और इसके लिए बहुत छोटे छोटे प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, वो आपको सलाह देते हैं कि ये लो, ये लो, ये क्रिप्टो करेंसी लो, आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो मेरी आपको ये पर्सनल राय है कि आप इन छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म है इसमें इनके थ्रू इन्वेस्ट ना करें। आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो किसी बड़े इन्वेस्टर
या बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करें ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रह सके। तो ये बात बहुत ज़रूरी और अपने ध्यान में रखना इन्वेस्टर्स अपने। और आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, मुझे बताते रहना और आप किस विषय पे वीडियो देखना चाह रहे हैं, और अपना नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ना जिससे मैं पर्सनली आपको फ़ोन करके पूछ सकूं। थैंक यू।